हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी पार्टनर्स पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की एक और इम्पोर्टेंट टर्म, रूम रेंट लिमिट की। जब हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो हम अक्सर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के सम इंश्योर्ड अमाउंट के अंदर जितना भी बिल होगा वो सब इंश्योरर कवर कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले आपको इंश्योरेंस रिलेटेड सारे टर्म एंड कंडीशंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और इसीलिए आज पीबी पार्टनर्स पाठशाला में हम रूम रेंट लिमिट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उसको चाहिए कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेल करे अलोंग विद बेस्ट फैसिलिटीज, फिर चाहे वो उसका ट्रीटिंग डॉक्टर हो, ट्रीटमेंट हो या हो उसका हॉस्पिटल रूम। लेकिन एट द टाइम पॉलिसी परचेस, रूम की कैपिंग होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक लिमिट तक ही रूम रेंट पे किया जाता है और बाकी का अमाउंट कस्टमर को अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। आइए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस की जिसमें रूम रेंट कैप है 15,000 रुपए, और वहीं मिस्टर वाई ने भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया जिसमें उसका सिंगल प्राइवेट एसी रूम का कैपिंग है। वहीं मिस्टर जेड ने एक ऐसी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस की है जिसमें कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं है। अब मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड को हॉस्पिटलाइज्ड होते वक्त अपने रूम रेंट एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही रूम सेलेक्ट करना होगा। अगर उनका सिलेक्टेड रूम उनकी एलिजिबिलिटी से ज्यादा होगा तो बैलेंस पेमेंट उन्हें खुद से करनी होगी। अब जानते हैं कि कैसे रूम रेंट अमाउंट के अंदर एक छोटा सा चेंज आपके ओवरऑल बिल में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मिस्टर जॉन ने 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस की जिसमें रूम रेंट कैप है 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। पॉलिसी परचेस के कुछ साल बाद उन्हें कैटरैक्ट सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी में रूम रेंट 5,000 रुपए था, लेकिन उन्होंने 8,000 रुपए का डीलक्स रूम चूज किया, ये सोच के कि वो एडिशनल 3,000 रुपए खुद से पे कर देंगे। लेकिन जब बिल आया तो रूम रेंट के अलावा डॉक्टर फीस, सर्जन फीस जैसी एडिशनल सर्विसेज का कॉस्ट डीलक्स रूम के अकॉर्डिंग था जो उनकी कवर्ड लिमिट से बाहर था, हेंस उनको 3,000 नहीं 8,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट पॉकेट से बेयर करना पड़ा। सो गाइस, अभी तक आप समझ चुके होंगे कि रूम रेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का एक अहम पार्ट होता है और इससे आपका हॉस्पिटलाइजेशन काफी हैसल फ्री हो सकता है। हेंस अपनी पॉलिसी लेते वक्त आपको रूम रेंट की लिमिट को भी ध्यान रखना जरूरी है। टू नो मोर अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस एंड इट्स प्लान्स, सब्सक्राइब टू पीबी पार्टनर्स पाठशाला टुडे।